हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ इंश्योरेंस नॉलेज। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के केयर एडवांटेज प्लान के बारे में, प्लस हम बात करेंगे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में। दोनों ही पॉलिसी का 1 करोड़ का समय, दोनों आजकल क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी बहुत एक्सपेंसिव होती जा रही है डे बाय डे, तो उसके लिए अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा सम इंश्योर के बारे में भी अगर सोचें कि बाय करने के लिए, तो आपको कौन सी कंपनी की तरफ जाना चाहिए। दोनों कंपनी का जो है आपको फीचर्स वगैरह अच्छे से कंपैरिजन करा देती हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट क्वेरी होता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप दोनों पॉलिसी में से कोई सी भी पॉलिसी बाय करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप नीचे लिंक में जो है मेंशन करके मुझे दे सकते हैं और आपको मैं पॉलिसी बाय करने में हेल्प प्रोवाइड कर दूंगी। अब डिफरेंस देखते हैं केयर एडवांटेजेस प्लान रेलिगेयर का और स्टार हेल्थ का कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस, दोनों में क्या अंतर डिफरेंस है। फर्स्ट, सम इंश्योर्ड 1-1 करोड़ का सम इंश्योर्ड लिया है क्योंकि केयर एडवांटेज प्लान 1 करोड़ का है, इसीलिए ये फेमस है। और कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस ऑलरेडी 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड है। एंट्री एज 18 टू लाइफ लॉन्ग, 18 साल का एडल्ट से लेकर लाइफ लॉन्ग पर्सन ये पॉलिसी बाय कर सकते हैं, लेकिन वहीं कॉम्प्रिहेंसिव में 18 से 65 साल के एज के लोग ही ये पॉलिसी बाय कर सकते हैं। रूम रेंट में सिंगल प्राइवेट एसी रूम है दोनों में ही। डे केयर की अगर मैं बात करूँ तो केयर एडवांटेजेस में 541 डे केयर ट्रीटमेंट है जिसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी पॉलिसी वर्डिंग में, बट वहीं कॉम्प्रिहेंसिव में बात करूँ तो ऑल डे केयर ट्रीटमेंट कवर है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की हम बात करें तो केयर एडवांटेजेस में 30 डेज प्री और 60 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन है, बट कॉम्प्रिहेंसिव में 60 डेज प्री एंड 90 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन है। एम्बुलेंस की बात करूँ तो एम्बुलेंस दोनों में ही अप टू दी सम इंश्योर्ड कवर है। केयर एडवांटेजेस में अप टू द सम इंश्योर्ड है, बट CHI में एक्चुअल लिखा हुआ है उन्होंने, बट मैक्सिमम वही अप टू द सम इंश्योर्ड लिखा होता है। और ऑर्गन डोनर की अगर मैं बात करूं तो ये भी इसमें केयर एडवांटेजेस में अप टू द सम इंश्योर्ड है, बट वहीं कॉम्प्रिहेंसिव में एक्चुअल एंड अबव है, यानी अगर सम इंश्योर्ड से ऊपर भी आता है तो भी कंपनी पे करके चलेगी। नो क्लेम बोनस में आपका जो है 10-10% करके बढ़ेगा एवरी ईयर, मैक्सिमम 50% तक केयर एडवांटेजेस में, बट कॉम्प्रिहेंसिव में एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि कॉम्प्रिहेंसिव में 100% बोनस आपका इंक्रीज हो जाता है नेक्स्ट ईयर ही, अगर आप कोई क्लेम नहीं करते तो, यानी नेक्स्ट ईयर ही आपकी पॉलिसी 2 करोड़ की हो जाएगी। इसके अलावा रिचार्ज बेनिफिट की यानी रिस्टोरेशन बेनिफिट की बात करें तो आपका 1 टाइम मिलता है दोनों में ही, कॉम्प्रिहेंसिव में भी और केयर एडवांटेजेस में भी, लेकिन केयर एडवांटेज में सेम पर्सन सेम डिजीज सेम ईयर कवर नहीं होता, बट वहीं कॉम्प्रिहेंसिव में सेम पर्सन सेम ईयर सेम डिजीज कवर्ड होता है। को पेमेंट की अब मैं बात करूं तो को पेमेंट में आपका 60+ एज पे को पेमेंट लगती है दोनों ही पॉलिसी में अगर फ्रेश एंट्री लेते हैं, लेकिन केयर एडवांटेजेस में 80-20 की को पेमेंट लगती है और कॉम्प्रिहेंसिव में 90-10 की को पेमेंट लगती है। इसके अलावा वेटिंग पीरियड पे अगर हम चेक करें तो स्लो ग्रोइंग डिजीज का 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है दोनों में ही, लेकिन प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का केयर एडवांटेजेस में 4 साल का वेटिंग पीरियड है और कॉम्प्रिहेंसिव में 3 साल का वेटिंग पीरियड, तो यहाँ पे 1 साल आपको कम फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रीमियम की, तो प्रीमियम आपका अगर मैंने जो लिया है ए स्लैब 2 एडल्ट प्लस 2 चाइल्ड का ए स्लैब लिया है मैंने 41 से 45 एज के में दोनों में, केयर एडवांटेजेस में भी और कॉम्प्रिहेंसिव में भी, केयर एडवांटेजेस में प्रीमियम आ रहा है 44,191 रुपीज, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव में प्रीमियम आता है आपका 48,244 रुपीज। केयर एडवांटेजेस में इतने ही फीचर्स आपको मिलेंगे, लेकिन अगर मैं कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूं तो इसमें इसके अलावा भी काफी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं, बट कंपैरिजन के लिए यही फीचर्स थे तो मैंने इन्हीं की बात करी है।